चिनली हुआ, उस पर कलवकुंट चंद्रशेखर राव तेलंगाना का मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की एसेट्स जो बताया आमदनी 1000 करोड़ से ऊपर है। तेलंगाना के लिए जो जान दिए उनका अभी तक 10 लाख रुपए तक नहीं दिया, मगर खुद पार्टी का जो रेवोल्यूशनरी पार्टी है, जो पार्टी संघर्ष करके सत्ता में आया, इस कान से 1000 करोड़ रुपया आया, किसका भाव का पैसा है? ये तेलंगाना की आम की गरीब आदमियों की खून पसीना है। ये लूट कर इसने पूरा जिला में पार्टी ऑफिस खोला और इतना आमदनी आया। तेलंगाना का किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, हर दिन कोई रेप होता, कहीं मर्डर होता, कहीं ड्रग माफिया का बात उचित होती है, धरनी के नाम पे लाखों एकड़ जमीन लूट रहा है, जो गरीब को दिया आसान लैंड लूट रहे हैं, जो गरीब मुसलमान के लिए वक्फ की जायदाद होती है उसको भी ख़त्म कर रहा है, और ऊपर से कह रहा है ये देश भर राजनीति करने जाएगा। ये बड़ा बहुत झूठ लूट करने वाला मुख्यमंत्री है, हर बात पे इसका कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी होता है, इसका झूठ कहकर लूटने की कोशिश करते रहता है। तो इसके खिलाफ ये जो इसकी 20-21 साल की जो लूट है, अब खासकर 7-8 साल सत्ता में आने के बाद, गरीब माइनॉरिटी के लिए 12% रिजर्वेशन की वायदा किया था, गिरिजनों के लिए 12% रिजर्वेशन की वायदा करा था, मगर हकीकत में किया क्या है? अभी तक कुछ किया ही नहीं। बस एक ही, इनका खुद की जायदाद इतनी बढ़ गई मगर गरीब तेलंगाना आम आदमी के लिए कुछ मिला ही नहीं। अब कल परसों ये इफ्तार भी रखेगा, आपको खजूर खिलाकर 1 करोड़ डायमंड भी लूट के चले जाएगा तेलंगाना का।